द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट को ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. वो कौन कौन से हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज एंड क्लोरीन. ये सभी जो एलिमेंट्स हैं प्लांट को ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. आइए इनकी वन बाय वन डिफरेंट फंक्शंस और इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को स्टडी करते हैं. द फर्स्ट वन इज आयरन, विच इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe+3 आयंस, जिसको हम फेरिक आयंस भी बोलते हैं. एंड इट इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट. जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, उनके अंदर से सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, आयरन की, जो कि फेरिक फॉर्म में होती है. उसके फंक्शंस अगर हम स्टडी करें तो वो क्या क्या काम करता है प्लांट के अंदर. इट एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम, जो कैटालेज एंजाइम है जो कि H2O2 की सिंथेसिस करता है, उसको अपनी फंक्शनिंग के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. एट द सेम टाइम एसेंशियल फॉर द क्लोरोफिल प्रोडक्शन, क्लोरोफिल पिगमेंट की सिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनको अपनी फंक्शनिंग के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. इट हेल्प्स इन द कैरिंग इलेक्ट्रॉन टू मिक्स ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स. जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टडी किया था, उस टाइम पे हमने देखा था कि जो आयरन है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन कैरियर टू दी अनदर कैरियर, और इन अल्टीमेटली उन इलेक्ट्रॉन्स को वो ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचाता है. तो उस ETC चेन के अंदर भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखें, व्हाट आर दी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मॉटल्ड एंड इंटरवेनियर क्लोरोसिस इन दी यंग लीव्स. जब प्लांट बहुत यंग कंडीशन में होता है उसी टाइम पे अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट का कलर जो है वो येलो कलर का हो जाता है, मेनली लीव्स का. एंड देन स्टंटेड ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट की, बिकॉज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की सिंथेसिस नहीं होती है, फूड नहीं बनता, तो प्लांट जो है वो शॉर्टर रह जाता है. एंड सिलेंड्रिकल स्टेम्स हो जाती हैं, शॉर्ट स्टेम्स हो जाती हैं, थोड़ी छोटा, नॉर्मल से छोटा साइज होता है प्लांट का. आप अगर इसकी पिक्चर देखें तो इस तरह से मोल्टेड काइंड ऑफ स्टंटेड ग्रोथ, छोटा प्लांट होता है, और उसके साथ साथ जो लीव्स होती हैं वो येलोइश कलर की हो जाती हैं और कर्ल्ड हो जाती हैं. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन मटेरियल और आयरन मिनरल. सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय द आयरन, और उनकी वजह से, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं प्लांट के अंदर, उनके बारे में डिटेल में स्टडी. थैंक यू.